त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर स्मॉल ई द्वारा डिनोट किया जाता है यानी प्रदर्शित किया जाता है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। अंतिम वेग को वी से लिखा जाता है और प्रारंभिक वेग को यू से लिखा जाता है। तो जो फॉर्मूला इसका बन जाएगा इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन यू, जो है वो प्रारंभिक वेग है, वी वस्तु का अंतिम वेग है और टी जो है वहां पे समय है। त्वरण जो है वो एक सदिश मात्रक के बारे में बात की जाए तो इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड और एसआई पद्धति में मात्रक होता है मीटर प्रति। के प्रकार के बारे में बात की जाए तो पहला है असमान त्वरण, यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान समय अंतराल के लिए अलग अलग हो तो उस वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। एक समान त्वरण यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। और धनात्मक त्वरण यदि किसी वस्तु का परिमाण समय के साथ घटता है तो उसे वस्तु का ऋणात्मक त्वरण कहते हैं और जब किसी वस्तु का परिमाण समय के साथ बढ़ता है तो उस वस्तु का धनात्मक त्वरण कहते हैं। किसी पिंड का त्वरण शून्य कब होता है? जब किसी पिंड का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बराबर हो जाए तब उस समय पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है वो शून्य होता है।